Good morning, students. I am Rakesh Kumar. Today I will teach you chapter 3, Growing Up. आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. ग्रोथ ग्रोथ इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल डेवलपमेंट इन मैच्योरिटी एज साइज वेट और हाइट. ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन मैच्योरिटी एज साइज वेट और हाइट. ग्रेजुअल डेवलपमेंट कम से उसके परिपक्वता में वृद्धि, उम्र में, साइज में, आकार में, वेट, वजन में और हाइट ऊंचाई में वृद्धि को ही हम ग्रोथ कहते हैं. ए बॉय गेटिंग एन इंच टॉलर बिटवीन द एजेज ऑफ 14 एंड 15. एक लड़का जिसकी जो 14 एंड 15 के बीच की उम्र का है उसकी वृद्धि, उसकी लंबाई में 1 इंच की वृद्धि होती है. The process of growth is slow. ग्रोथ का प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है. प्लांट्स ग्रो आल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विद टाइम. प्लांट्स ग्रो करते हैं एंड इंक्रीज इन साइज और उनके आकार में वृद्धि होती है विद टाइम, समय के साथ साथ. ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स. देयर आर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन्स. फर्स्ट इन्फेंट. ए न्यूबॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड एन इन्फेंट. एक नवजात शिशु हु कैन नॉट टॉक, जो बोल नहीं सकता, वॉक चल नहीं सकता और ईट फूड ऑन इट्स ओन अपने से भोजन खा नहीं सकता इज कॉल्ड एन इन्फेंट. इन्फेंट कहलाता है, शिशु कहलाता है. चाइल्ड. ए चाइल्ड इज ए ह्यूमन बींग बिटवीन द स्टेजेज ऑफ बर्थ एंड पॉवर्टी. एक चाइल्ड ह्यूमन बींग होता है जिसकी जिनकी उम्र, जिनकी अवस्था स्टेजेज बर्थ एंड पॉवर्टी के बीच के स्टेज का जो भी मनुष्य होता है वो चाइल्ड कहलाता है. या हम बिटवीन द डेवलपमेंट पीरियड ऑफ इन्फेंसी एंड पॉवर्टी, और इन्फेंसी और पॉवर्टी के बीच का जो डेवलपमेंट पीरियड होता है, विकास की जो अवधि होती है, पीरियड होती है, वो इन्फेंसी और पॉवर्टी के बीच का चाइल्ड कहलाता है. इन्फेंसी. इन्फेंसी मीन्स बचपन, बाल्यावस्था, शैशव, प्रारंभिक अवस्था होता है. और पॉवर्टी मीन्स यौवनारंभ और वह संधि होता है. आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ बर्थ एन इन्फेंट ग्रोज इनटू ए चाइल्ड. 2 साल के बाद एक शिशु बढ़कर एक बच्चा बन जाता है. ए चाइल्ड कैन सिट. एक बच्चा बैठ सकता है, वॉक चल सकता है, स्पीक बोल सकता है, प्ले और खेल सकता है स्टेज में.